सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं स्कॉर्पियो के अंदर। जैसा कि हमने पहले भी आपको दिखाया था, हमने इनोवा क्रिस्टा में फुल हैंड सिस्टम इंस्टॉल किया था, सेम उसी टाइप का मेयर बट वैसे ही हम लोग एक इसमें स्कॉर्पियो में इंस्टॉल करने वाले हैं। आगे फ्रंट डोर में हम लोग कंपोनेंट्स लगाने वाले हैं, टोटल एक्सेसरीज का कंपोनेंट है ये, और यही सेम हम पीछे डोर पे भी लगाने वाले हैं। उसके बाद में एक ओवर स्पीकर लगाने वाले पावर पास का। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि दो एम्पलीफायर हम लोग लगाने वाले हैं, एक फोर चैनल का वोकल का एम्पलीफायर ऑडिटर सीरीज का, एक पावर पास का मोनो एम्प। मोनो एम्प हमारा वूफर का सपोर्ट करेगा, हमारा वूफर जो रहेगा वोकल का रहेगा। उसके बाद में हम चारों डोर में डैम्पिंग करने वाले हैं, प्लस डिक्की में भी डैम्पिंग करने वाले हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों डैम्पिंग होने वाला है। उसके बाद में इसके बाद हम स्पोर्ट्स का पूरा वायरिंग यूज़ करेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट जो आता है अमेरिकन ब्रांड, और इसमें X2 का रशियन का RC कोड हम यूज़ करने वाले हैं। अभी मैं आपको प्रोडक्ट का थोड़ा डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ फोकल के कंपोनेंट स्पीकर के ऊपर। फोकल कंपोनेंट स्पीकर ये एक्सेस सीरीज का कंपोनेंट है, बहुत हाई एंड कंपोनेंट स्पीकर है, 120 वाट्स का इसका RMS पावर है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका क्रॉस ओवर का पावर, इसका ट्यूटर का पावर एकदम ज़बरदस्त है, इससे अच्छा प्रोडक्ट मैंने आज तक देखा नहीं है। और उसके बाद में हम और इसका ओवर स्पीकर लगाने वाले हैं डिक्की में, 9 इंच में रहेगा वो, 3 वे स्पीकर रहेगा, 450 वाट्स में आता है ये। इसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आता है, इसमें वोकल पावर जो है इसका ट्रेबल पावर जो है बहुत बेहतरीन रहता है। वाइब्रोमैक्स का डैम्पिंग हम लोग यूज़ करने वाले हैं, पूरा रशियन ब्रांड का डैम्पिंग है, 2 mm का इसका थिकनेस रहता है। उसके बाद में आप जैसे देख सकते हैं ऑडिटर सीरीज का 4 चैनल का परफॉर्मेंस सीरीज है, ऑडिटर में परफॉर्मेंस सीरीज का ये है वोकल का एम्पलीफायर, 4 चैनल का एम्पलीफायर। और उसके बाद में ये देखिए पावर बास का मोनो एम्प जो कि हमारे वूफर को सपोर्ट करेगा। वूफर को हम कभी भी अगर मोनो एम्प से कनेक्ट करते हैं तो वूफर का आउटपुट हमारा डबल हो जाता है। और हम हाई एंड वूफर लगाने वाले हैं इसमें वोकल कंपनी का, पूरा स्कॉच का वायरिंग हम लोग यूज़ करने वाले, पूरा ब्रांडेड काम होने वाला है। और आगे जाके मैं आपको आगे वीडियो में मेरे कंटिन्यू में दिखाऊंगा कि इसका आउटपुट कितना अच्छा आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी S11 स्पोर्टी लुक बनके तैयार है। सबसे पहले देखिए इसमें हमने अल्फा व्हील लगाई है विद LED फोन्स जो कि गाड़ी का लुक पूरा चेंज हो जाता है इससे, ठीक है। उसके बाद में आएंगे हम अलग एकदम बेसिक सिल्वर कलर के अलग से, उसको हमने एकदम स्पोर्टी लुक देके पियानो ब्लैक फुल ग्लॉस में इसको अलग को पेंट किया है। और उसके अंदर का जो कैलिबर है, कैलिबर को पूरा स्पोर्टी लुक देने के लिए उसको हमने रेड किया है। उसके बाद इस तरफ से इंटीरियर वर्क में देखिए हमने उसका सीट कवर का कॉम्बिनेशन देने के लिए डोर पैनल बनाए हैं सेम 10 कलर के। आप इधर सीट कवर का क्वालिटी देखिए, सीट कवर की फिटिंग देखिए, ओरिजिनल जो फॉर्म फिटिंग सीट कवर है वो हमने किए हैं, पूरा इसमें रशियन लेदर में हमने किया है। उसके बाद में इंटीरियर कलर को मैच करने के लिए हमने इसको सेम स्टीयरिंग कवर बनाया है और एकदम स्टीयरिंग रैप किया है। उसके बाद में पीछे से रियर सीट का क्वालिटी देखिए, उसको ओरिजिनल टाइप आर्मरेस्ट बनाया है। देखिए बहुत ही गाड़ी का एकदम लुक पूरा चेंज हो गया है, आपने देखा था जैसे पहले गाड़ी क्या थी और गाड़ी क्या हो गई अभी। गाड़ी का लुक चेंज करने के लिए इसमें रिफ्लेक्टर्स लाइट्स हमने इंस्टॉल कर दिए ताकि रियर में पूरा LED लुक आए। जिस तरह से आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर, अभी गाड़ी का इंटीरियर देखिए पूरा कितना लाजवाब लग रहा है, एकदम 10 कलर का पूरा स्पोर्टी लुक आ रहा है। गाड़ी के अलग देखिए आप, चारों अलग एक साथ देखिए गाड़ी का लुक देखिए,
एकदम स्पोर्टी लुक आ रहा है कि नहीं बताइए। अभी मैं आपको गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने आपको डैशबोर्ड के ऊपर रख के सारा सामान जो हम इसमें इंस्टॉल करने वाले, जो स्पीकर, जो कंपोनेंट, ओवर स्पीकर, वूफर, एम्पलीफायर, वो मैंने डैम्पिंग शीट वगैरह वो आपको मैंने सब दिखा दिया ना। आज अभी मैं अभी उसको आपको साउंड टेस्टिंग इसका मैं करवाता हूँ। डोर अपना डैम्पिंग होने के बाद डोर का वजन करीब 6 किलो एक डोर का वजन बढ़ जाता है, जिससे आप वीडियो में तो नहीं समझ में आएगा क्योंकि मैं फील कर पा रहा हूँ ये डोर में और ये डोर में, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसको हमने डैम्पिंग नहीं किए क्योंकि स्कॉर्पियो S11 का रियर डोर में स्पीकर्स नहीं लगते हैं, इसलिए हमको डैम्पिंग करने की जरूरत नहीं थी इसको, इसलिए हमने इसको डैम्पिंग नहीं किया। इसकी आवाज़ देखिए कितनी आवाज़ आ रही है गाड़ी के पतरे की, और इसकी देखिए, इसकी सॉलिडनेस देखिए, सेम ऐसे ही हमने डिक्की में डिक्की का सॉलिडनेस देखिए। ये लोगो जो है हमारा सिल्वर कलर में आता है बट वो उतना स्पोर्टी लुक में नहीं देता, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा ब्लैक टोन देके ब्लैक और सिल्वर में स्पोर्टी लुक कर दिया है। अभी मैं आपको इसका म्यूजिक से टेस्ट करवाता हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरफ से देखिए। इसके अंदर हमने पावर बास का मोनो एम्प लगा दिया है जिसके ऊपर हमारा वूफर का आउटपुट डबल आएगा। इस तरफ से देखिए फोकल का 4 चैनल का एम्पलीफायर हमने इसके अंदर लगा दिया है, जो हमने चारों कंपोनेंट्स को दिया है। अभी मैं ये गाड़ी का आपको साउंड टेस्ट करवाता हूँ। वीडियो में नहीं समझ में आएगा बट अभी मैं आपको गाड़ी का साउंड टेस्ट कराता हूँ। आप गाड़ी का आवाज देखिए कितना जबरदस्त आ रहा है। कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इसको वूफर को चेंज किया है। पहले हम इसमें फोकल का वूफर लगाने वाले थे बट अभी हमने इसके अंदर इन्फिनिटी का रिफरेंस सीरीज का वूफर लगाया है।